नमस्ते, स्वागत करते एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। और उम्मीद करते भाई सब बढ़िया होगा, मस्त होंगे। तो भी सुबह सुबह का टाइम है और दिन हो चुका है आज संडे का। तो रात में फिर सुबह के टाइम पर फिर बारिश हुई, बूंदाबांदी हो रखी है। ज़्यादा बारिश तो थी नहीं, पर सूर्य देवता अभी निकल चुके हैं। देखो यहाँ पर जो वो डाल रखे थे मैंने, इस ठंड ना घुसे तिरपाल लगा रखा था, वो अब मैंने हटा दिया है, फाइबर के नीचे लगा रखा था। और अब पूरी रोशनी आ रही है घर में और सूर्य देवता भी निकल रहे दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी संडे का दिन है, कहीं जाने का कोई तगाजा नहीं था, तो सारा काम यूँ ही फैल रहा है। अभी तो भी रजाई भी नहीं उठा रखी है और इनकी तो न्यू रवे है, अपनी भी नहीं उठा रखी है। और ये सुबह सुबह देखो भी ब्रेड और वो खरीद के अंडा चटोरी है, रोटी ना खाई जाती, ब्रेड खावा है ब्रेड गांव में बैठ जा और केले खाई है। क्यों फिर 2 रुपये बच के 2 रुपये ले आती, टॉफी जरूरी थी। तो भी मैं चाय बनाने लग रही हूँ, यहाँ पे मैंने बूंदी भिगो रखी है, रायता बनाऊंगी बूंदी का। और आलू गाजर मटर की सब्जी रखी हुई है, शाम ने बनाई थी, और बूंदी का रायता बना दूँ। तो इसका दूध गर्म करके दे दूँ और ब्रेड सेक कर दे दूँ। अपने लिए चाय बना रही हूँ, जोत बत्ती कर ली है, हम नहा लिए, तक स्नान लग रहा है, नहा धोई थे सब ने कर रखी, बस अब पेट पूजा और रहेगी। फिर उसके बाद मैं घर में पूरा अच्छे से करूँगी ठीक, कपड़े वपड़े बहुत सारे धोने, मशीन फुल हो रखी है। मैं सोचूँ अच्छे से धूप निकल जाए जब भाई मशीन लगाऊँ, वरना फिर अंदर बार मैं गंदे हो जाऊँगा। तो अभी कर लिया, 9 बजे के हैं, पहले बना दूँ चाय और फिर ब्रेड। तो भाई चलिए पहले सेक के दे देती हूँ इनको ब्रेड, और साथ में बनने के लिए रख रखी है चाय। चाय भी धीमे धीमे बनती रहेगी और साथ में मैं इनके ब्रेड सेक कर दे देती हूँ। थोड़ा सा इनके लिए दूध गर्म कर दूँगी और फिर रोटी तो भाई 11-12 बजे के करीब ये खाएंगे। तब तक मैं बाकी के जो काम है वो निपटा लेती हूँ। अभी वो करना है, मशीन लगानी है, ढेर सारे कपड़े और रखे हैं जो पहले 2 रखे हैं वो भी अभी तक नहीं सूखे हैं। तो भी सर्दी में तो ऐसा ही हुआ है, और बस सर्दियाँ भी जाने वाली है, अब तो जाती जाती ये कर रही है, बारिश की वजह से थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, वरना अभी तक तो भी हो जाती नॉर्मल सी सर्दी। और बस सुबह शाम वाली, और ये सुबह शाम वाली सर्दी जाते जाते बीमार जरूर करके जाया करता, तो भी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है कई इस चक्कर में कि बस ठंड तो गई पर हवा बहुत तेज़ चल रही है और बारिश भी बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा हुई थी हमारी यहाँ पे था। और अभी बस चाय में डाल दिया मीठा, मेरे को याद नहीं रहा कि भी डाल रखे या नहीं डाल रखे, क्योंकि ये साथ में ब्रेड सेकने लगी ना तो कई काम एक साथ में स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ी सी हो जाती भी दिमाग से उतर जाती है बातें। तो बस अभी ये करके और फिर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, और बहुत सारे कपड़े हैं मशीन लगा कर और उनको एक साइड में करूंगी, सूखते रहेंगे। वैसे भी हल्का फुल्का एक बार तो सूर्य देवता दिखाई दिए थे और अब फिर वैसा ही हो रखे, बादल हो रखे हैं। तो अब ये धुलने के बाद तो सूखेंगे ही, 2 दिन में 4 दिन में अब क्या करें, धोने तो पड़ेंगे कपड़े। तो अभी बस इनका हो चुका है दूध वगैरह, जो भी चाय वगैरह थी वो। तो चलिए फिर अपना काम आगे का स्टार्ट कर देते हैं। और आज मैंने शाम के टाइम में ये कड़े हैं इनको भी रीयूज़ कर दिया है, मतलब कि जो ये पुराने कड़े थे इनके ऊपर वेलवेट का एक कपड़ा रखा हुआ था मेरे शॉल में से, जो मैंने पिंक कलर का शॉल रेडी कराया था वो वेलवेट का, तो उसके अंदर से ये बची हुई थी चूड़ी बोल रही हूँ ये कपड़ा। तो इसमें थी पतली पतली पट्टियाँ निकाल ली, और ये चूड़े की है ये चूड़ियाँ, तो ये इसके नग निकले हुए हैं, 10-12 साल पुराना है, पहली बार लेके आई थी मैं ये वाला चूड़ा, तो उसी को दोबारा से मैं कर रही हूँ चूड़ियों के ऊपर ये लपेट दिया है कपड़ा, और ये यहाँ पे फेविकोल की मदद से चिपका दिया है, ये है फैब्रिक ग्लू, इसे चिपकाने के बाद हटता नहीं है। और इसके ऊपर मैंने लगा दी है घुंघरी, और जो चौड़े वाले कड़े हैं उनके ऊपर लगा रखी है जो छोटे छोटे शीशे आते हैं मिरर, तो भाई वो लगा रखे, ये यहाँ पे मैंने घुंघरी लगा दी है। अभी मेरे पास है गोल्डन कलर का गोटा पट्टी, तो वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा। और जो चौड़े वाले कड़े बना रखे हैं जिनके आगे पीछे में ये छोटी वाली
चूड़ियाँ लगाऊंगी तो ये ज़्यादा गोल्डन हो जाएगी, तो मैं इसके बीच में लगाऊंगी सिल्वर कलर का गोटा। जब तब लेके आऊंगी तब लगाऊंगी, तो देखना भी कैसी लग रही है, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आजकल वेलवेट की चूड़ियाँ वगैरह बहुत चली हुई हैं, तो मेरी जो पुरानी चीज़ें थी वो भी रीयूज़ होगी और बहुत सुंदर सा ये सेट रेडी हो चुका है। और यहाँ पे बन गई भी हमारी चाय, और चाय तो बन गई, टेस्टी चाय बन गई अदरक और इलायची की, पर पतीला तो बिल्कुल भी, जल भुनकर इसकी तालत होगी खराब, चाय का मजा कोई लेगा और बेचारा जल ये रहा है। तो ईसा ही होया करे इंसानों का भी, तो भी वे दूसरे के उसने देख के इस तरह जलते बुनते रहे हैं, तो भी वो छोटो जलना भूलना दूसरों को देख के और अपने चाय का मजा लो। तो भाई इसका तो काम है पतीले का तो जलना, तो भाई हमने तो चाय का मजा लेना है, तो अभी चाय पी लेते हैं गर्मा गर्म। और ये बिलोदी आप यहाँ पर, मैंने घी की नहीं मलाई थी वह बिलोदी जो निकल गया, इसमें घी आप इसने निकाल कर और इसका बना दूंगी। मक्खन निकलिया भी नूनी घी, टिंडी घी भी बोलिया करे, नूनी घी बोलिया कर हम तो। और फिर इसने ताक है और इसका बना लूंगी वैसा घी। तो अभी इसको ठंडे पानी में निकाल लेती हूँ और गर्म पानी से इसको धोऊंगी। तो पहले पी ली मैं है चाय और उसके बाद में संभाल लेंगे इसको।